जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास टेंथ का। दोस्तों हम लोगों ने साइंस का जो अग्रवाल का आंसर उठाया है, जिसका हम लोग सेट टू एच जेड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप राजीव का, एच एम का, एक्स का, किसी का भी कर रहे हो तो केवल सेट आपको एच जेड देखना है। दोस्तों इसके सेट टू का पार्ट वन में हम लोगों ने फिजिक्स को कर लिया है, सेट टू यानी सेट टू के पार्ट टू में इस वीडियो में केवल हम लोग केमिस्ट्री करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट थ्री होगा उसमें पूरा का पूरा बायोलॉजी करेंगे। दोस्तों हम लोग तीनों वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री की तरह बना रहा है। दोस्तों आपको बता दे कि अनसॉल्व बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अनसॉल्व सॉल्व करने के बाद ही हम लोग बोर्ड एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बिना टाइम लिए पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको पांच का कहा दिया गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करके लबड़ बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए तीसरा। तीसरा में क्या लिखा गया है, अम्ल एवं क्षार, तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो गया। इसके बाद धावन सोडा की प्रकृति होती है, धावन सोडा, धावन सोडा मतलब जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसे कहते हैं धावन सोडा, और धावन सोडा जो होता है दोस्तों ये हमारा क्षारी होता है। क्या होता है, क्षारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन हमारा दूसरा सही गया। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन। दोस्तों हमने आपको आईयूपीएसी नेम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि नॉन, नॉन किसका समूह होता है, सीओ का, जिसमें सीओ समूह है वो होता है ब्यूटेनॉन यानी नॉन समूह। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही गया, तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही गया। इसके बाद छह का में हमारे पास ये लिखा गया, निम्न में से अम्ल एवं क्षारक की पहचान कर कारण बताइए। तो अम्ल और क्षार की पहचान करना है दोस्तों, तो छह का काम है लिख देते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर छह का हमें अम्ल और क्षार की पहचान करना है, जिसमें हमारे पास नंबर एक दिया गया है NH3 और नंबर दो दिया गया हमारे पास H2S। इसमें दोस्तों आपको बता दे कि अम्ल किसे कहते हैं, जो जली बिलियन में, जो जल में घुलकर एच धन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो एच धन आयन नहीं दे सकता है अर्थात OH ऋणायन देता है उसे क्षार कहते हैं। अब ध्यान देना, जैसे अमोनिया है, अगर अमोनिया को जल में घोलेंगे तो अमोनिया तो गैस है तो पूर्णतया जल में घुल जाती है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता जल में क्योंकि पूर्णतया घुल रही है। इसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या होता है कि जब जल में उसको घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये सल्फाइड जो है ना ये हाइड्रोजन को क्या करता है कि इसका हाइड्रोजन के अनुसार ये जल में एस धन आयन देता है, जिसके अनुसार ये अम्ल प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यानी हम लोग कहेंगे कि इसमें अम्ल कौन है, क्षार कौन है, तो जो हमारे पास क्षार है, क्षार हमारे पास NH3 है। NH3 क्यों है, क्योंकि जल में घुलकर एस धन आयन नहीं दे सकता है क्योंकि जल में पूर्णतया घुल जाती है। और इसके बाद हमारे पास अम्ल क्या है, अम्ल हमारे पास है H2S, H2S अम्ल इसलिए है क्योंकि जल में घुलकर ये हाइड्रोजन धन आयन देती है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉन्ग टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैं आपको केवल इस वीडियो में समझाने वाला हूं, बाद बाकी आपको क्या करना है कि जो आपका वीडियो है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में हमने सबका आंसर दे के रखा है, वहां पर जाकर आप लोग नोट बना सकते हो जो लॉन्ग टाइप होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके बाद उत्तर खा, छह का खा में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस प्रकार से कि उत्तर छह का खा, बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है इसे, छह का खा में आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि विकर्ण संबंध को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में हमें हर क्वेश्चन पे हेडिंग डाल के लिखनी है, तो हमें लिखना है विकर्ण संबंध, हेडिंग डाल देंगे हम लोग विकर्ण संबंध। अब विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, अब ध्यान देना, विकर्ण संबंध, विकर्ण का मतलब क्या होता है पहले समझिए। पहले विकर्ण का मतलब होता है, जैसे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है कि जैसे मान लो कि ये एक आयत है, ये एक आयत है जिसकी ये भुजा है ABCD, इसकी तिरछी भुजा होती है, तिरछी भुजा, इसे हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो मतलब समझिए, तिरछी भुजा का मतलब अभी समझाते हैं कि विकर्ण संबंध, जो आपके पास आवर्त सारणी है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हम लोग तो केमिस्ट्री के अनुसार हमें आंसर देना है, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का जो आवर्त दूसरे के तत्व है, आवर्त सारणी में आवर्त दूसरे के जो हल्के तत्व है उनका जो गुण है वो आवर्त तीसरे के
उन गुणों के साथ समानता रखता है जो इनके साथ विकर्ण संबंध है। फिर से एक बार समझे, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आवर्त दूसरे के हल्के तत्व कौन कौन से है, इसे इसका उदाहरण पूछा गया है। तो उदाहरण के तौर पर लेंगे हम लोग आवर्त, आवर्त दो, और इसके बाद लेंगे हम लोग आवर्त तीन। आवर्त दो में तत्व कौन कौन से हो गए, आवर्त दो में तत्व होते हैं आपके पास लिथियम होते हैं, इसके बाद बेरेलियम होते हैं, इसके बाद बोरान होते हैं, इसके बाद कार्बन होते हैं। और आवर्त तीन के तत्व कौन कौन से होते हैं, आवर्त तीन में होते हैं सोडियम होते हैं आपके पास, मैग्नीशियम होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, और इसके बाद सिलिकॉन होते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, इन्हें हम लोग कहते हैं वर्ग एक, इन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। ये हो गया वर्ग दो, ये वर्ग तीन, और ये वर्ग चार। ये हल्के तत्व है और इनकी समानता किसके साथ होती है जानते हो, इस प्रकार से विकर्ण संबंध हो, इस प्रकार तिरछी हो जाता है विकर्ण संबंध। इसका संबंध इसके साथ हो गया विकर्ण संबंध, और इसका संबंध इसके साथ हो गया विकर्ण संबंध। जिस प्रकार से देखो इसमें विकर्ण होती है, इसकी ये तिरछी ऊर्जा विकर्ण हो गया, इसकी ये तिरछी ऊर्जा विकर्ण हो गया, उस प्रकार से विकर्ण संबंध समझ सकते हैं। कैसे, आवर्त दो के जो हल्के तत्व है वो आवर्त तीन के उनके साथ विकर्ण संबंध बनाता है जो इनके साथ समानता रखता हो। तो दोस्तों आपको बता दे कि जो जो हमारे पास आवर्त दूसरे के जो हल्के तत्व है, आवर्त तीसरे के उन तत्वों के साथ समानता रखते हैं जो कि उनके साथ विकर्ण संबंध है, इसे विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग छह का करेंगे गा नंबर। छह का गा नंबर में हम लोग लिखेंगे उत्तर छह का गा। क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर छह का गा। उत्तर छह का गा में हम लोग क्या पूछा गया है, पूछा गया है संचारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले हमें हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग डालना है संचारण। क्या डालना है, हेडिंग, हेडिंग डाल लेना है हमें संचारण। अब संचारण का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बता दे संचारण का मतलब होता है वस्तुओं का नष्ट होना, वस्तुओं का खराब हो जाना। जैसे वस्तु का मतलब होता है वह वस्तु जो धातु की हो, धातु का ही होना चाहिए। जैसे आपको बता दे संचारण क्रिया, पहली बात तो संचारण की क्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसे रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो लोहे की बनी वस्तु यानी कोई भी धातु, कोई भी धातु को अगर हम लोग वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो धातु क्या करता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेता है और वायुमंडल में उपस्थित नमी से भी क्रिया कर लेता है, क्रिया करके अपने आप को संचारित कर लेता है, यानी खराब कर लेता है, नष्ट कर लेता है, इसे संचारण कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर बता दे आपको, जैसे एक लोहे की कोई बनी वस्तु है, लोहे की बनी वस्तु जब हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट में तो शुरुआत में वो नई होती है, जब क्या होता है कि उसको वायुमंडल में कहीं पर भी खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कुछ समय बाद उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। यही जंग लगना ही संचारण क्रिया है। इसका उदाहरण देखकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि उसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, हम लोगों ने क्या किया कि लोहा लिया, लोहे का सूत्र क्या होता है Fe प्लस। Fe ने किसके साथ क्रिया किया, Fe ने सबसे पहले O2 के साथ क्रिया किया, यानी O2 क्या हो गया वायु। इसके बाद Fe ने किसके साथ क्रिया किया, XH2O, XH2 का मतलब हो गया नमी। ये हो गया लोहा, ये हमारे पास क्या हो गया लोहा, ये हो गया हमारे पास वायु, और ये हो गया हमारे पास नमी। इन्होंने जब इसके साथ क्रिया किया तो इसके दौरान बना क्या, तो ये बनेगा आपका Fe2O3 × XH2O। अब इसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते समय सबसे पहले यहां पर Fe2 है तो 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Fe2 हो गया। O कितनी बार, तीन बार, O एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, H2O। ठीक इस प्रकार से हम लोगों ने बैलेंस कर लिया, Fe दो बार, O दो बार, और एक तीन बार, दो बार, लेकिन वो यहां पर चार बार है। वो आपके पास कितने बार है, चार बार है, क्योंकि तीन और एक चार बार। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर 2XH2O कर लेंगे। जब 2XH2O कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पर हो गया O हो गया दो और दो चार बार, यहां पर O हो गया हमारे पास तीन और एक चार बार। ठीक है, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2XH2O है तो हमारे पास H कितने बार हो गया, दो दुनी चार बार। इसके लिए यहां पर दो का गुणा करेंगे, जैसे दो का गुणा करेंगे तो दो दुनी चार हो गया Fe, तो Fe को यहां पर से लिखेंगे हम लोग चार। O कितने बार हो गया, O हो गया आपके पास
दो तिया छह और एक छह और दो, छह और दो आठ हो गया। तो यहां पर तीन का गुणा करेंगे, तीन दूनी छह और दो आठ हो गया, यच हो गया, दो दूनी चार बार, दो दूनी चार बार, एक्स दो बार, एक्स दो बार, बैलेंस हो गया। यही हम लोग कहते हैं जंग, लोहे पर जंग। किस पर है ये जंग? ये हो गया लोहे पर जंग हो गया, ठीक है। अब दोस्तों संक्षारण क्रिया आप लोग समझ चुके हो, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात का काम। क्वेश्चन नंबर सात का काम हम लोग लिखेंगे उत्तर सात का का। सात का काम है क्या कहा गया है? सात का काम है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, इस श्रेणी की किन्हीं दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम लोग इस पर हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। बोर्ड एग्जाम में हमें हेडिंग डाल लेना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसके बाद हम लोग इसको लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इसका उपयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग डालेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी को दोस्तों सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी है किस आधार पर बनाई गई है, तो आपको बता दें कि जो आपके पास सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में धातु को उनके सक्रियता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा गया है। आपको जो हमने सिलेबस पढ़ाया था हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाया गया है, धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते हुए क्रम में बनाया गया है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका सिंपल आंसर किस प्रकार दोगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं और धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग कौन कौन से हैं? एक तो उपयोग बता दें कि धातुओं को उन किसी भी यौगिक से विस्थापन क्रिया कराने में इसका उपयोग कराते हैं। किसी भी धातु को उसके, ध्यान देना, किसी भी धातु को उसके यौगिक से विस्थापन करने का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CuSO4+ZN, रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4+Cu। अब यहां पर क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि ZN जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर से ऊपर है, इसलिए कापर को उसने कर दिया, कापर से सल्फेट को उसने कर दिया विस्थापित। इसे हम लोग इसका एक उपयोग इसमें करते हैं धातु को उसके यौगिक से अलग करने में। दूसरा हम लोग किसमें करते हैं, मानक अपचयन विभव करने में भी। अपचयन का मतलब भी होता है धातुओं को यौगिक से हटाना, ठीक है। इसके बाद हमारा मिसेल क्या है, सातवें का खाम है, वहां से पूछा गया है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि उत्तर सात का खा लिखेंगे और हेडिंग क्या डालेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे मिसेल। हेडिंग क्या डालने लिए हमें, मिसेल। अब मिसेल क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको यही समझाते हैं। मिसेल क्रिया दोस्तों क्या होता है कि जब साबुन को हम लोग जल में घोलते हैं तो साबुन के कण है वो गुच्छों का रूप ले लेती है, साबुन के कण गुच्छों का रूप ले लेती है, जिसमें से हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है साबुन का, हाइड्रोकार्बन भाग जो लंबी श्रृंखला है वो जल के अंदर होती है और जिसका आयनिक भाग वो जल के ऊपर होती है, इसे हम लोग कहते हैं मिसेल, ठीक है। मिसेल किसे कहते हैं, तो अब तो समझ चुके हो। इसके बाद इन्होंने ये कहा है साबुन के स्वच्छीकारक क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, यानी साबुन को साफ कर रहे, साबुन मतलब जो साबुन द्वारा बना मिसेल है वो कपड़ों में किस प्रकार से स्वच्छीकारक का कार्य करता है। तो जैसे हम लोग इसमें दूसरा हेडिंग डालेंगे मिसेल के बाद, इसी का दूसरा हेडिंग डालेंगे स्वच्छीकरण। क्या डालेंगे हम लोग, दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग स्वच्छीकरण। अब स्वच्छीकरण दोस्तों आपको बता दे, स्वच्छीकरण में क्या होता है कि जब साबुन को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, मिसेल बनता है। क्या बनता है, मिसेल बनता है। ये मिसेल में क्या होता है कि दो गुण होते हैं, एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। जल रागी का मतलब होता है जो जल के साथ विलय है वो जल रागी और जो जल के साथ विलय नहीं है वो जल विरागी। जब हमारा मिसेल बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है जिसको हम लोग पूंछ कहते हैं, जिसकी लंबी श्रृंखला है, पहले साबुन का सूत्र बता दे आपको, तो साबुन का सूत्र हमारे पास ये होता है, साबुन का सूत्र जो होता है C17H35 C
COOONA। अब ध्यान देना, जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है और ये हमारे पास आयनिक सिरा है। ये हमारे पास क्या है? आयनिक सिरा। जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है वो हमारे पास जल के अंदर होती है, जो कि जल के साथ विलय नहीं है। और जो हमारे पास आयनिक सिरा होती है ये जल के सतह पर होती है, जो कि जल के साथ विलय है। तो जो जल के साथ विलय है, जल के साथ घुलता है, उसे कहेंगे जल रागी। जो जल के साथ नहीं घुलता है उसे जल विरागी। सिंपल तरीके से ये समझो, जो जल के साथ दोस्ती करेगा जल रागी, दोस्ती नहीं करेगा जल विरागी। साबुन का जो मिसेल है वो किस प्रकार कपड़ों को साफ करता है? सबसे पहले हम आपको दो चित्र बनाते हैं और चित्र की सहायता से आपको समझाते हैं। अब चित्र की सहायता समझिए कि यहां पर हमने क्या बनाया है। ये जो लवकार हाइड्रोकार्बन की जो ये लंबी श्रृंखला है, ये जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये वाली भाग, ये होता है पूंछ और ये होता है सिर। ये होता है आपके पास आयनिक सिरा, यानी धनायन। सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। अब जिस प्रकार का साबुन है उसी प्रकार से हमने सोडियम बना लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है। अब ये होता है हाइड्रोकार्बन पूंछ और ये होता है सिर। इसका सिर यानी सिर जो होता है जल की सतह पर होता है और जो कि जल के साथ विलय है। और ये जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है जल के अंदर होती है और फिर भी जल के साथ विलय नहीं है। आप ध्यान देना, ये जो पूंछ है ये पूंछ जल के साथ मिले नहीं है, किंतु जल के साथ दोस्ती नहीं करता है, लेकिन ये पूंछ मैल के साथ दोस्ती कर लेता है। और हाइड्रोकार्बन धनायन है, ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन धनायन है, ये मैल के साथ दोस्ती नहीं करता, ये जल के साथ दोस्ती कर लेता है। तो ध्यान देना कि जो हमारे पास सिर है, सिर का मतलब होता है धनायन, जो सिर है वो जल के साथ दोस्ती कर लेता है, और जो पूंछ है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है वो मैल के साथ दोस्ती कर लेता है। जो हमारा कपड़े में मैल, तेल, ग्रीस कुछ भी लगा हो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। क्या होता है कि ये तो मिसेल बना है, मिसेल का मतलब होता है साबुन का घोल। ये तो साबुन का घोल है, जब उसके अंदर कपड़े को हम लोग डालते हैं, डालने पर क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है वो तेल के साथ कर लेता है दोस्ती। अब उसको चारों ओर से, यानी मैल को, मैल के साथ या तेल के साथ या ग्रीस के साथ जो भी हमारे कपड़ों में लगा है उसके साथ कर लेता है दोस्ती। दोस्ती करने के बाद चारों ओर से उसको फंसा लेता है। अब ये वाला भाई साहब, ये जो भाई साहब है हमारे पास धनायन वाला भाई साहब, ये क्या करता है कि बाद में ये धनायन है और हाइड्रोकार्बन पूंछ रायन है, तो ये धनायन वाला भाई साहब इसको अपनी ओर एक आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? इस पूंछ को। और पूंछ ने किसके साथ दोस्ती किया है? तेल के साथ। तो जब ये वाला भाई साहब इस भाई साहब को, यानी माइनस वाले भाई साहब को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये पूंछ इस तेल को भी उसके साथ खिंचा ले आता है, जिससे कि कपड़ों से तेल अलग हो जाते हैं, यानी कपड़ों से मैल अलग हो जाते हैं और कपड़े हमारे साफ हो जाता है, और जिससे कि पानी का कलर चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग मिसेल द्वारा साबुन यानी स्वच्छीकरण हम लोग क्रिया को समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कपड़ों को साफ करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब दोस्तों हमारे पास जो आठवें का कहा है, आठवें का कहा करने से पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आठ का क्या करेंगे। आठ के काम में हमसे क्या पूछा गया? आठ के काम में ये पूछा गया है, एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के दो दो गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी दो दो गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उत्तर आठ का का। आठ के काम में हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे कि एथिल एल्कोहल के दो रासायनिक गुण। हेडिंग डालेंगे हम लोग एथिल एल्कोहल के, एथिल एल्कोहल के दो रासायनिक गुण। अब एथिल एल्कोहल के दो रासायनिक गुण कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल जो हमारे पास है, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये फार्मूला हो गया। अगर इसकी क्रिया हम लोग, अब क्रिया रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि किसी न किसी के साथ क्रिया करवाना पड़ता है, चाहे गैस के साथ करवाओ, चाहे अम्ल के साथ करवाओ, चाहे क्षार के साथ करवाओ, चाहे धातु के साथ करवाओ, क्रिया करवाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले अमोनिया गैस के साथ इसकी क्रिया करवा लिया। अमोनिया गैस का होता है NH3, क्योंकि ये हो गया एथिल एल्कोहल, ये हो गया अमोनिया, ये क्या हो गया हमारे पास अमोनिया। जब इसका क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? ध्यान देना कि यहां पर C2H5। अब हमारे पास ये जो हमारे पास ध्यान देना
कि एक एच और ये ओ है और इसका एक एच तो बन हट जाएगा, तो बनेगा क्या? सबसे पहले फिर से एक बार समझो, इसका एक एच और ओ और इसका एक एच मिलकर बन जाएगा एच टू ओ, और यहां पर बना क्या एन एच टू बचा, तो हो जाएगा एन एच टू, जो कि ये फार्मूला क्या है एथिल एमीन का, एथिल एमीन का। इसमें आपको लिखना भी है, कैसे लिखना है, लिखना है कि एथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके एथिल एमीन बनाता है। ठीक है, ये तो हो गया नंबर एक। अब नंबर दो गुण पूछे गए, तो नंबर एक आपकी बात ले रहे नंबर दो। अब एथिल एल्कोहल की जो क्रिया है, एथिल एल्कोहल की क्रिया हम लोग धातु का मतलब हो गया है, कोई भी धातु से करा रहे हैं हम लोग, सोडियम धातु से करवा रहे हैं, तो C2H5OH प्लस Na से क्रिया करवा रहे हैं। एक बार दोस्तों बैलेंस चेक कर लेते ऊपर वाले का, C2H5 N एक बार, N एक बार, H दो दो चार बार, दो तीन और चार O, सही बैलेंस सही है। C2H5OH का Na के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ये सोडियम हर किसी को विस्थापित कर सकता है, हर धातु को, हर तत्व को, क्योंकि ये सबसे ऊपर स्थित होता है ना, सोडियम के ऊपर K तो होता है लेकिन सोडियम जो है हर किसी को विस्थापित कर सकता है, तो सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा वहां से, तो बन जाएगा C2H5O, इसके बाद बनेगा Na और प्लस हाइड्रोजन अलग होकर हो जाएगा H2। अब इसका हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास सोडियम धातु, ये क्या हो गया हमारे पास सोडियम धातु, ये हो गया हमारे पास सोडियम सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक ये हो गया ऑक्साइड और ये हो गया एथिल, सोडियम एथॉक्साइड क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना सोडियम एथॉक्साइड। अब करेंगे इसका बैलेंस, बैलेंस इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर देखो यानी H दो बार हो गया, तो H दो बार है, यहां पर H एक बार है, ये वाला C2H5 छोड़ दो, तो ये हो गया दो को गुणा करेंगे, जैसे ही दो को गुणा करेंगे तो यहां पर हो गया O दो बार हो गया, H दो बार हो गया, C2H5 दो बार हो गया, तो C2H5 दो करने के लिए यहां पर दो को गुणा करेंगे, जैसे दो का गुणा करेंगे तो यानी हो गया दो बार, तो यहां पर दो का गुणा करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास C2H5 दो बार, C2H5 दो बार, ओ दो बार, ओ दो बार, एन ए दो बार, एन ए दो बार, एच दो बार, एच दो बार, ठीक बैलेंस हो गया। इसमें लिखना है कि एथिल एल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। इसके बाद हमारे पास अब की बार हमें क्या हेडिंग डाल लेना है, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण, तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे अब की बार एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण, हमसे दो रासायनिक गुण पूछे गए हैं तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण। अब दो रासायनिक गुण कौन कौन से हो गए देखिए, पहले दो रासायनिक गुण हम लोग हेडिंग डाल के जरूर लिखना दोस्तों। नंबर एक तो एसिटिक अम्ल का पहले फार्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, इसका जगह हम लोग अम्लीकरण कर देते हैं, अम्लीकरण का मतलब होता है जो कि जल के साथ हाइड्रोजन आयन देता है, तो जब इसका हम लोग अम्लीकरण करेंगे, अम्लीकरण करने पर क्या होगा कि इसमें जो धनायन है वो अलग होगा और ऋणायन अलग होगा, और अम्लीकरण करने में रिवर्स रिएक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3COOH धनायन हो गया और H हो गया हमारे पास ऋण आयन, तो इसका अम्लीकरण क्या कर ध्यान देना कि इसका अम्लीकरण जब करेंगे एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH, इसका जब अम्लीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होता है CH3COOH ऋण आयन और प्लस H धन आयन, ठीक है H धन आयन। तो हम लोग इसको परिभाषा के अनुसार कैसे लिखेंगे, एसिटिक अम्ल का अम्लीकरण करने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित का मतलब टूट जाते हैं, जिससे हमें CH3COOH नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा गुण इसका क्या हो गया, इसका एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और प्लस इसको अगर हम लोग एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करवा दे तो क्या होगा C2H5OH, इसके साथ अगर क्रिया करवाएंगे तो ध्यान देना कि हमें पता है कि इसका एक एच और इसका OH मिलकर क्या बन जाएगा H2O, अब ये हमारे पास क्या हो गया C2H5 और CH3COOH, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH3COOC2H5 और प्लस OH और H मिलकर क्या बन जाएगा H2
टू ओ। तो इसको हम लोग परिभाषा के अनुसार कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एथिल एल्कोहल को यानी एसिडिक अम्ल का, एसिडिक अम्ल को एथिल एल्कोहल से क्रिया करने पर ये हमारे पास हो गया एथिल और ये हो गया एसीटेट। तो हम लोग कहेंगे एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, ये हो गया एथिल एसीटेट। अम्ल और एथिल एल्कोहल की क्रिया से एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, यही हमें लिखना है। इसके बाद हम लोग करेंगे आठ का खा, आठ के खा में हमसे क्या पूछा गया है, उससे पहले हम लिखेंगे उत्तर आठ का खा। हम लोग लिख लेंगे कि उत्तर आठ का खा। आठ के खा में हमसे ये पूछा गया है कि समझाइए कि आवर्त सारणी के एक वर्ग एवं एक आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हमें यह समझाना है कि आवर्त सारणी के एक वर्ग एवं एक आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग इस प्रकार से डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में हेडिंग क्या डालना, आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त में परमाणु परिवर्तन, वर्ग तथा आवर्त में परमाणु का परिवर्तन, इतना बड़ा तो हमें हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग डालने के बाद दोस्तों अब ध्यान देना, सबसे पहले आपको आवर्त सारणी, हमने पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ा के रखा है, आवर्त सारणी में परमाणु का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ध्यान देना कि अगर हम आवर्त में, आवर्त यानी वर्ग तथा आवर्त में, तो अगर हम लोग आवर्त में, आवर्त का मतलब होता है इस प्रकार से जो लाइनिंग होती है, इस प्रकार से लाइनिंग, इस प्रकार के लाइनिंग को हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो कितने आवर्त होते हैं हमारे पास, टोटल सात आवर्त होते हैं, इस प्रकार से एक दो तीन चार पांच छह ऐसे गिनना, सात तक हमारे पास आवर्त होते हैं। आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं हो जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो जो परमाणु का आकार है वो घटता है। अब परमाणु का आकार क्यों घटता है दोस्तों समझना, तो ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में, आवर्त में क्या होता है कि बाएं से अगर दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर उसका जो परमाणु का त्रिज्या है यानी उसका जो आकार है, आकार घटता है। क्यों घटता है आपको बता दे, क्योंकि जब बाएं से दाएं जाएंगे, जाने पर क्या होता है कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन का, नाभिक में जो आवेश होता है, नाभिक का जो आवेश होता है उसका मान बहुत अधिक होता है। नाभिक का आवेश अधिक होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने के कारण नाभिक में जो परमाणु का आकार है वो कम हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको पढ़ाया भी गया होगा कि ये होता है नाभिक, ये हो गया नाभिक और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस नाभिक ने इसका आवेश बहुत अधिक हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर यहां से इतना खींच लिया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब है देखो, ये हो गया परमाणु, ये जो गोला हो गया सेकंड वाला, ये परमाणु हो गया, ये हो गया हमारे पास नाभिक, तो इसका देखो आकार कम हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है वो कम हो जाता है, वो घट जाता है, ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है दोस्तों बता दे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक और ये हो गया हमारे पास एक परमाणु, ये हो गया दूसरा परमाणु, ये हो गया तीसरा परमाणु। अब ध्यान देना, चार कक्षा होते हैं ना हमारे पास, ये हो गया के एल एम और एन, या तो फिर इसको हम लोग बाहर से भी गिन सकते हैं। बाहर से कैसे गिन सकते हैं, जो बाहर से गिन के देते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये हो गया के एल एम एन, ठीक। अब ध्यान देना, इस प्रकार से हम लोगों ने गिनती कर ली। अब चार कक्षा होते हैं, एक कक्षा और बढ़ा देते हैं, एक दो तीन और एक चार, ये चार कक्षा बना देते हम लोग। अब ध्यान देना कि हम लोग ऊपर से जितना नीचे आते जाएंगे उसका आकार बढ़ता जाएगा। देखो हमेशा परमाणु आकार त्रिज्या पर डिपेंड होता है। देखो ये यहां से इतना इसकी त्रिज्या हो गई, तो इतना बड़ा गोला, तो ये होगा परमाणु का आकार। देखो इस परमाणु का आकार, त्रिज्या बढ़ी तो दो गोले का आकार ही बढ़ा,
फिर इसके बाद वो एक त्रिज्या बढ़ी गोले का आकार वाला, फिर त्रिज्या बढ़ी गोले का आकार वाला। जितना हम लोग नीचे आते जाएंगे, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, हम लोग देखते हैं कि परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इस प्रकार से हम लोग वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग में सबसे ऊपर का जो परमाणु है उसका आकार बहुत कम होता है, ऊपर का परमाणु का आकार सबसे कम होता है, और जितना नीचे आते जाओगे परमाणु का आकार उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि परमाणु का आकार कम होता है, तथा वर्ग में ऊपर का जो परमाणु है उसका आकार सबसे कम, और जितना नीचे आते जाओगे उसका मान उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8 का। अगर खा नहीं करना है तो फिर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 8 के खा में हमसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया, तो हम लिखेंगे उत्तर 8 का खा, और इसमें नंबर 1 हमें हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों किसे कहते हैं, ध्यान देना कि प्रति माने हर एक को, प्रति मतलब हर एक को, स्थापन का मतलब होता है हटा देना। किसी भी यौगिक से अगर एक तत्व को हम लोग हटा देते हैं, हम लोग नहीं कोई दूसरा तत्व उसको हटा देता है, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। किसी भी यौगिक से दूसरा तत्व, उस यौगिक से एक तत्व को अगर हटा देता है तो प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर को समझाते हैं, जैसे हमने ले लिया, यही एग्जांपल लेते हम लोग, जेटन प्लस जब बताया था चलो रेस कर दिया, वही लेते हम लोग। जैसे CuSO4 प्लस ZN, रिएक्शन में क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें क्या हुआ कि ZN ने क्या किया कि SO4 को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। एक तत्व को हटाना ही प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। किसी भी यौगिक से एक तत्व को हटाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद घबराने कोई जरूरत नहीं दोस्तों, हर किसी का आंसर में डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो हम यहां पर आपको समझा रहे हैं। इसके बाद इसका दूसरा नंबर पे हेडिंग पे क्या लिखा है, हम लोग लिखेंगे 8 का। अगर मान लो दूसरे पेज पे कर रहे हैं तो आपको इसे उत्तर में लिखना है कि उत्तर आप लोग लिखोगे 8 का खा का अथवा, खा का अथवा। दोस्तों यहां पर अथवा भी और लिख देना कि अथवा है हम लोगों के पास, या अथवा लिखना है, लिखना बहुत जरूरी होता है। खा का अथवा का दूसरा। अब दूसरे नंबर पे हेडिंग डाल लेना है हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण, तो हमारी टिप्पणी करना है। तो हाइड्रो कार्बन का IUPAC नामकरण, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल लेना है। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ध्यान देना दोस्तों कि जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnHn। तो ध्यान देना CnHn, n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो, कहने का अर्थ है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि IUPAC का नामकरण, ध्यान देना दोस्तों कि पॉइंट इसके ध्यान रखना, जब हम लोग IUPAC का नामकरण करते हैं, जब IUPAC का नामकरण करेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला का मतलब होता है कि लंबी लाइन, कार्बन की लंबी लाइन कहां पर है, कार्बन की लंबी श्रृंखला सबसे पहले देखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा नंबर पर दोस्तों हम लोग समूह देखते हैं, और समूह के पास से ही गिनती करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर हम लोग गिनती करते हैं, और गिनती हमें कहां से करना है, समूह के पास से ही, जहां पर समूह पास पड़ता है वहां से हम लोग गिनती करते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर पर ध्यान देना कि अगर दो दो समूह सेम हो, यानी दो दो समूह अगर एक जैसा हो तो उसे हम लोग कहेंगे डाई, क्या कहेंगे उसको हम लोग, डाई कहते हैं। अगर तीन तीन समूह हो एक जैसा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राई, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट ध्यान देना दोस्तों कि हम लोग विशेषकर हाइपन जो होता है हमारे पास, इस प्रकार से हाइपन का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं दोस्तों, हाइपन का। इसका एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। एग्जांपल दोस्तों हम यहां पर बता रहे हैं आपको,
एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे ले लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड हमने ले लिया OH, इसके बाद ऊपर ले लिया हम लोगों ने CH3, इसके बाद नीचे भी ले लिया हम लोगों ने CH3। अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना कि दोस्तों इसका नामकरण करेंगे सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखते हैं, देखो एक दो कार्बन है और इधर से एक दो तीन, तो इसकी लंबी श्रृंखला इस प्रकार से प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से लंबी श्रृंखला। अब समूह कहां पास से है, समूह इधर पास है, तो इधर से देखो तो भी एक मतलब एक ही समूह तो है, तो चाहे ऊपर से गिनती करो चाहे नीचे से गिनती कर लो कोई दिक्कत नहीं। तुमने इसको मान लिया एक, इसको दे दिया दो, इसको दे दिया तीन कार्बन, ठीक है। अब तीन कार्बन होने पर क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इस CH3 अलग हो गया, इस श्रृंखला से अलग हो गया, तो इसका नाम हम लोग सामान्य नाम से लिखते हैं, तो ये हमारे पास CH3 जो है ये हो गया मेथिल, ये क्या हो गया हमारे पास मेथिल। मेथिल कितने पर है, मेथिल देखो ये दूसरे कार्बन पर है, मेथिल ये दूसरा कार्बन है, तुम लिखेंगे दो मेथिल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कार्बन की गिनती करेंगे, तो मेथ एथ प्रो, ये हो जाएगा प्रोपेन, अब प्रोपेन इसके बाद लगा देंगे हम लोग हाइपन। अब ऑल कितने पर, देखो दो कार्बन पर है, लिखेंगे दो और इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग ऑल, ठीक है। अब ध्यान देना कि दोस्तों हम लोगों ने जो केमिस्ट्री का सेट था, केमिस्ट्री का संपूर्ण सेट को हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का संपूर्ण सेट को हम लोग करेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।